एवरीवन, कैसे आप सब आए हो? बड़े होंगे गाइस। वैसे तो वाले वीडियो थोड़ा लेट आया, इसके लिए गाइस वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि मेरा कुछ काम पड़ गया था। गांव रहने के बाद ना पूरा रूटीन जो होता है वीडियो बनाने का पूरा बिगड़ जाता है। जब मैं सिटी में था ना भाई, जब बढ़िया चलता था मेरा, मतलब फिक्स था सब चीज़, क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन यहाँ पे कहीं आज ये बुला रहा है, कहीं वो बुला रहा है, तो बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता। तो भाई इसके लिए वेरी वेरी सॉरी, लेकिन आज से आपको डेली वीडियो मिलने वाला है। आज हम बनाने वाले एक्सकेवेटर का एक पार्ट बनाने वाले हैं। तो ये साइड में आपको जो दिख रही है ना, इसे हम कहते हैं एक्सकेवेटर, जो कि हम फुल मेटल में भी बना रहे हैं। कुछ देखो, जो चेन का सॉकेट होता है इस तरीके का, जो चेन फ्रेम होता है जिसमें भाई पूरे चेन का सेटअप होता है, और काफी ज्यादा लंबा सा भी आपको दिख रहा होगा, कितना ज्यादा बड़ा है, काफी ज्यादा हैवी भी है, और पूरा एकदम फुल मेटल में बनाने में काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और सबसे ज्यादा दिक्कत इसी में होती है, इसका मेजरमेंट में दिक्कत होने वाली है। पूरी एक्सकेवेटर का जो साइज होने वाला है ना, इस पर डिपेंड करने वाला भाई हमारे एक्सकेवेटर कितनी ज्यादा बड़ी बनने वाली। और मेरे से भाई बैठा हुआ तो मतलब मेरे से ऊपर जा रहा है बैठने के बाद भी। आपको जो लेक्चर दिया करो ना, प्लीज आप उसको सुना करो, क्योंकि सुनने से क्या होता है, आपको बहुत सारी चीज की नॉलेज भी मिल जाती है भाई, किस चीज के क्या काम में आने वाली है। और सुनने से ना ज्यादातर मतलब मालूम पड़ जाता है भाई क्या क्या होने वाला है। तो जो मैं आपको बोला करो, प्लीज आप उसको सुना करो। और हाँ, एक बात और, आप प्लीज बता दी भी दिया करो भाई, आपको वीडियो समझ में आती है कि नहीं आती है। मैं जो बोलता हूँ वो थोड़ा लैंग्वेज समझ में आती भी है, कि थोड़ा जल्दी जल्दी बोलता हूँ ऐसा कुछ। तो आप प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर कर दिया करो, मैं यार जो कमी हुई करो उसको सुधारने की कोशिश जरूर करूँगा नेक्स्ट वाली वीडियो। ऐसी एक बात और यार, आपके लिए बनाने में ज़्यादा मेहनत भी लग जाता है, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। लाइक करने में आपको कोई पैसा वैसा नहीं लगने वाला, ना ही आपके हाथ घिसने वाले हैं, तो प्लीज यार लाइक जरूर कर दिया करो। और चैनल में तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का कॉल पर सेट कर लेना। यार बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, कम से कम मतलब 16,000 लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा, 16,500 लोगों ने, तो यार आप भी कर लो, कोई पैसा वैसा नहीं लगने वाला इसका, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी का कॉल पे सेट कर लेना, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। चलिए गाइस फिर करते हैं फटाफट से स्टार्ट। सो गाइस, अभी इसको बनाने के लिए पहले हम यहाँ पे लोहे की इस तरीके की सीट लेने वाले हैं, जो कि काफी ज्यादा बड़ी भी है, पूरी एकदम फुल मेटल में सीट है। तो भाई इसका पूरा यहाँ पे मेजरमेंट करने वाले हैं, यहाँ पे कितनी बड़ी यहाँ पे और सीट की यहाँ पे मोटाई कितनी होने वाली है। तो जैसे कि सीट की यहाँ पे मोटाई यहाँ पे 3 mm की सीट है, और यहाँ पे इसकी चौड़ाई हम यहाँ पे 8 cm लेने वाले हैं। और इसकी फुल लेंथ की अगर बात की जाए तो भाई यहाँ पे 18 cm की पूरी यहाँ पे टोटली लंबाई यहाँ पे लेने वाले हैं। और चलिए फिर यहाँ पे सिंपली लगा लेते हैं मार्क 18 cm पे, और यहाँ पे सिंपली ग्लैंडर की हेल्प से कर लेना कटिंग। और कैसे आपको मेजरमेंट आपको ध्यान से कटिंग करने, मतलब ऐसे नहीं आप थोड़ा ज़्यादा है बड़ा छोटा कर दो, नहीं आपसे बेकार भी हो सकता। तो गाइस हमने यहाँ पे 18 cm का भी पूरा पीस यहाँ पे कटिंग कर लिया, तो अब इसका दोबारा से मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 4 cm यहाँ पे आगे से मार्क लगा सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे 4 cm में आपको मार्किंग कर लेनी है। और गाइस यहाँ से भी आपको एक ट्रायंगल शेप में इस तरीके से बना लेना, तो वीडियो में आप बने रहो, समझ में आ सब कुछ आने वाला है। तो इस तरीके से आपको करना है, आप किसी भी स्केल से आप इसके कोने से मिलती हुई लाइन आपको इस तरीके से खींच देनी है। और गाइस यहाँ पे आपको सिंपली इंच से कटिंग कर लेना है, तो यहाँ पे एक मतलब एक ट्रायंगल का शेप यहाँ पे निकल जाएगा। तो आपको चलिए भी इसको भी फटाफट से हम कर लेते हैं कटिंग। तो गाइस हमारा ये इतना बन के अभी कंप्लीट हो चुका है, इसका जो फ्रंट वाला एक्सकेवेटर का जो स्केल होता है ये हमारा पीस बन चुका है। तो अभी यहाँ पे सेकंड वाला हम यहाँ पे बनाना होगा, तो इसको हम रखते हैं साइड में। भाई देख लो से एक बार ध्यान से देख लेना, आपको यहाँ बनाने में कोई कमी नहीं करनी है। तो यहाँ पे हम दूसरे वाला भी एक इस तरीके का लेने वाले, इसके जो साइज वाइज सब कुछ मतलब सेम होने वाला, बस की गाइस जो लंबाई है वो आपकी थोड़ी अलग होने वाली। तो यहाँ पर 19.4 cm यहाँ पे पूरा पीस लेने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको मार्किंग कर लेनी इस तरीके से, और यहाँ पे आपको यहीं से कटिंग कर लेना। तो फाइनल कैसे हमारे सारे पीसेस तो इनको बनकर यहाँ पे कटिंग हो चुके हैं इस तरीके से। तो अभी सभी को यहाँ पे करना होगा ऐड। तो ऐड करने से पहले आपको क्या, इसके सारे मेजरमेंट आपको पता है गाइस, यहाँ पे कितने कितने इनकी हमने लंबाई ली थी, क्या इसकी चौड़ाई थी। तो आपको थोड़ा ध्यान से एक बार वीडियो को देख लेना, और यहाँ पर सारे मेजरमेंट आप लिखते जाना भाई, हमने कितने कितने यहाँ पर लंबाई की ली थी। तो अभी क्या करना गाइस, हम इनको दोनों को ऐड करने के लिए यहाँ पे इस तरीके के जो पीस निकले हुए थे जब हमने इसको कटिंग किया था, यहाँ पे भाई थोड़े छोटे पीस बच चुके थे। तो यहाँ पे 65 cm के यहाँ पे लेने वाले हैं इस पीस को। तो यहाँ पे वेल्डिंग करने से पहले क्या करना है, इसको थोड़ा घिस लेना। तो जो ग्लैंडर का जो ब्लेड है इसको पहले हम चेंज कर देते हैं, भाई घिसने वाला जो ब्लेड होता है उसको हम लगा लेते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो ये वाला जो ब्लेड है इसको आप देख लो ध्यान से, आप इस वाले ब्लेड का यूज़ करना है। तो इससे क्या उसका जो जितना भी पेंट वेंट लगा हो, जितना भी जंग वंग हो, वो सारा हिट जाएगा। और गाइस यहाँ पर इजीली तरीके से आपकी बेल्ट नहीं हो जाएगी। अगर आप गाइस इसे बिना हिटाए हुए अगर आप इसको बेल्ट करते तो गाइस आपका सही तरीके से बेल्ट नहीं होने वाला है। तो इसको आपको ध्यान से मतलब सही तरीके से पहले घिस लेना। तो गाइस हमारे जो बड़े वाले पीस है इसको भी पहले हम घिस लेते हैं। घिसने से क्या होगा, दोनों को जो अटैचमेंट होता है बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है, नहीं गाइस सही तरीके से बेल्डिंग नहीं हो पाती है, और बहुत ज्यादा मतलब चिंगारी भी निकलती है और हो नहीं पाती सही तरीके से बेल्डिंग। तो अभी इन दोनों पीसेस को गाइस यहाँ पे हमें करना होगा अटैच। तो गाइस पहले आपको इस तरीके से पहले देख लेना भाई इनकी जो लंबाई है भाई, मतलब सही तरीके से है कि नहीं, मतलब नीचे की साइड में जो हमारी प्लेट है कहीं से टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं, इसको भी आपको चेक कर लेना है। तो बेल्डिंग आपको डायरेक्टली बेल्डिंग नहीं करनी, पहले आपको टेस्ट कर लेना। जैसे गाइस आपको यहाँ पे दिख रहा है भाई थोड़ा सा मतलब झुका हुआ सा आई है, तो उसको पहले सीधा कर लेते हैं भाई हथौड़े से मार मार के। तो आपको एकदम प्लेन मतलब प्लेन तरीके से आपको चिपकाना, अगर आपको ऊपर नीचे अगर आप कर दोगे ना तो गाइस एक्सकेवेटर का जो पूरा बैलेंस होता है बिगड़ जाएगा।
तो आपको थोड़ा ध्यान से करना। तो हमारे जो ARC बेल्डिंग मशीन भाई, इसको हम सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम 100 मतलब 150 की रेंज पे आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, या फिर 160 के अप्रोक्स यहाँ पे आप सेट कर सकते हो इसे। तो गाइस इसको हम नॉर्मली इसको ग्राउंड में रखेंगे, और जो हमारे बड़े वाले पीस है इसको यहाँ पे सिंपली तरीके से लगाएंगे साइड में। और चलिए फिर इसको फटाफट से मैं कर लेते हैं अच्छी तरीके से बेल्डिंग। आपको बेल्डिंग करते समय आपको गाइस ध्यान रखना है, आपको डायरेक्टली पूरा बेल्डिंग करते हुए नहीं चलना है, नहीं आपको गाइस क्या होगा, आप कहीं से टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा ना। तो आप बने रहो, आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ क्या बोल रहा हूँ। तो आपको पहले एक साइड में आप बेल्डिंग कर लेनी इस तरीके से, और आपको थोड़ा मतलब सीरीज से आपको मिला लेना भाई यहाँ पर सीधा सीधा बेल्डिंग है कि नहीं है। और बीच बीच में आपको यहाँ पर टांके मार लेने हैं, तो यहाँ पर 3-4 आपको टांके मार लेने इस तरीके से बीच बीच में। अगर आप डायरेक्टली मतलब पूरा बेल्डिंग करते हुए जाओगे तो आपको क्या होगा, जो थोड़े टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। तो क्या जिन लोगों को बेल्डिंग करने आती है उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं आती है तो गाइस उनके लिए बताना जरूरी है। तो अभी जो हमारा प्लेट एकदम बैलेंस हो चुका है बीच में इस तरीके से, तो अब हम गाइस इसे हम डायरेक्टली हम यहाँ पे बेल्डिंग अप कर सकते हैं। तो मतलब आपको इस तरीके से आप समझ चुके हो भाई मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले आपको मतलब बीच बीच में आपको बेल्डिंग कर लेनी है, इसके बाद आपको डायरेक्टली मतलब पूरे में बेल्डिंग करते हुए चलना है। इससे क्या होगा, हमारी प्लेट एकदम सीधी यहाँ पे बेल्ड होने वाली है। तो भाई आपको बेल्डिंग थोड़ा एकदम ध्यान से करना है, आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। जल्दीबाजी में क्या होगा भाई, आपको थोड़ा बिगड़ सकता है। अगर आप इसमें ज्यादा जोड़ लगा दोगे, अगर ज्यादा एम्पियर सेट करते तो भाई अपनी मशीन में, तो क्या होगा आपकी जो प्लेट है ना, ये मतलब बेल्डिंग नहीं होगी, बस इसके अंदर छेद हो जाएंगे। तो आपको थोड़ा ध्यान से बेल्डिंग करनी है, आपको ज्यादा दबाना भी नहीं है। तो मतलब नॉर्मल तरीके से आप बेल्डिंग कर सकते हो सही तरीके से, और करते समय ना आपको थोड़ा ध्यान रखना कि आप चश्मे का यूज जरूर करना। अगर आप बिना गॉगल्स का अगर बेल्डिंग करते हो तो भाई आपकी जो आंखें वहाँ के बिगाड़ हो सकती हैं, तो चश्मे का यूज गाइस जरूर करना आपको। और कैसे हमारी जो सेकंड वाली प्लेट है इसको हम डायरेक्टली इस तरीके से बेल्ड नहीं कर सकते, पहले इसको यहाँ पे थोड़ा मेजरमेंट करना होगा। तो यहाँ पे हम 13 सेंटीमीटर के इस तरीके से यहाँ पर मार्कर लगा लेंगे मार्कर की हेल्प से, और यहाँ पे 13 सेंटीमीटर का आपको थोड़ा मतलब अलग रखना है यहाँ पे। तो अभी आप वीडियो में आपको समझाने वाला हम क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर 13 सेंटीमीटर मतलब आगे से इस तरीके से आपको निकाल देना, मतलब 13 सेंटीमीटर आपको बाहर निकाल देना इसको, और मतलब 13 सेंटीमीटर पीछे से यहाँ पे आपको बेल्डिंग करनी है। तो आपको इसको पता किसी भी चीज़ से आपको यहाँ पर चिपका देना, मतलब बढ़िया तरीके से थोड़ा अटैच बनाना, यहाँ पे इसे हाथ से भी पकड़ सकते हो। वैसे अगर ज़्यादा गर्म हो जाए तो आप किसी न किसी चीज़ का आप यूज़ जरूर कर लेना। इसके बाद अब क्या करना है, आपको नॉर्मली यहाँ पे बेल्डिंग कर लेनी है, और भाई अच्छी तरीके से बेल्डिंग करनी है आपको ध्यान से। तो गाइस अब हमने यहाँ पे एक पीस को यहाँ पे बेल्डिंग कर लिया, हमारे यहाँ पे सेकंड वाली जो प्लेट थी इसको मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप डायरेक्टली मतलब एक बड़ी लंबी प्लेट को भी यूज कर सकते हो, मेरे पास यहाँ पे कटी हुई पीस थी इसके लिए मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। तो मैंने सेकंड प्लेट को यहाँ पे इस तरीके से बेल्डिंग कर लिया, और यहाँ पे बीच में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो कटिंग है यहाँ पे आपको दिख रही है, यहाँ पे हम कटिंग को यहाँ पे दोबारा से मतलब बेल्डिंग करने वाले हैं दोनों को अटैच करने के लिए। तो यहाँ पे जो बीच में आपको हल्का फुल्का अगर आपको गैप लगा करें ना, तो गाइस वहाँ पे किसी चीज़ को लगा दिया करो, मतलब कोई लोहे का जो पीस होता है उसको आप लगाने के बाद वहाँ पे बेल्डिंग किया करो, नहीं आप ऐसे डायरेक्टली बेल्डिंग करोगे तो गाइस वो आपको फट सकता है, मतलब बेल्डिंग नहीं होगी वहाँ पे, आपको होल हो जाएगा बड़ा सा। तो आपको थोड़ा ध्यान से मतलब करना, आप जहाँ पे कोई गैप हुआ करो वहाँ पे आपको इसी तरह से बेल्डिंग करनी है। तो हमारे पूरे तो फाइनल कैसे हमारे पूरे यहाँ पे बेल्डिंग हो चुका है। अभी आपको देखने थोड़ा बेकार से लग रहा है भाई, यहाँ पे थोड़ा खुरदरा खुरदरा सा मतलब इस तरीके से ऊपर लेके हुए, तो इसको थोड़ा सफाई कर लेते हैं। हमने उसको तो यहाँ पे घिस दिया, मतलब इस तरीके से उसके डंडल थे वो हमारे सारे यहाँ पे घिस चुके हैं जो हमारे बेल्डिंग के थे। तो अब यहाँ पे थोड़ा इसको प्लेन करना, तो प्लेन करने वाले यहाँ पे हम थोड़ा ब्लेड को यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। इससे कहा मतलब जिसको मैं जितना भी पेंट वेंट लगाया सारा मतलब अच्छी तरीके से यहाँ पर छूट जाएगा, बिल्कुल एकदम शाइनिंग सी इसमें आने वाली है। अब तो चलिए इसको फटाफट से यहाँ पे प्लेन कर लेते हैं, इसके बाद भाई देखते हैं हमारे किस तरीके लगने वाला है इसका लुक। तो अगर बनाने तक अच्छा लगा, कोई दिक्कत हो भाई मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, नहीं भाई हमारे इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और वहीं पर फेसबुक का और यहाँ पर व्हाट्सअप ग्रुप भी वाइज वहीं पर मिलने वाला, तो हम वहाँ पर जाकर जरूर ज्वाइन कर लेना। बस आपको मेजरमेंट में कोई दिक्कत मत करना, अगर आप कोई मेजरमेंट में दिक्कत कर दे तो भाई आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी एक तो बनाने में भी, क्योंकि भाई नीचे वाला जो पूरा एक्सकेवेटर का साइज है भाई इसी पे डिपेंड करने वाला है। आपने इसको बड़ा या छोटा बना दिया ना, तो आपको जो एक्सकेवेटर है तो बहुत ज़्यादा भद्दी लगने वाली, बहुत ज़्यादा बेकार भी लगने वाली। हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो यार जल्दी से उसमें खोजो कहाँ पे भाई, मतलब ऊपर भी मिलेगा फ्रंट पे, तो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा गियर सिस्टम कंप्लीट करने वाले, जितने भी इसके गियर वेयर होते हैं वो सारी चीज लगाने वाले। और गाइस प्रॉब्लम हुआ करो तो प्लीज बता दे करो वीडियो में, और गाइस अच्छा लगा उसे प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और चैनल में नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का ऑल पे सेट कर लेना यार, चैनल में नए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नीचे आपको जो लाल कलर सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको सब्सक्राइब कर लो यार, जल्दी जाओ। लेट्स सी यू अगेन।